सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसमें नाविक और यांत्रिक दो तरह की पोस्ट रहने वाली है। नाविक की बात करें तो नाविक में नाविक जीडी और नाविक डीबी दो तरह की पोस्ट है, जिसमें 10+2 और ओनली 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिटेल से जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों हम सिलेबस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक इसमें रहने वाले हैं। मैं डिटेल से आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बताने वाला हूं नाविक और यांत्रिक दोनों के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका सेक्शन वन होता है वो सभी में कॉमन होता है, चाहे वो नाविक जीडी का हो, चाहे वो नाविक डीबी का हो या फिर यांत्रिक का हो। सेक्शन उसके बाद में अलग अलग हो जाते हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से सेक्शन दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर जो सिलेबस दिया गया है वो नाविक जीडी का सिलेबस है, सेक्शन वन दिया हुआ है। सेक्शन वन में बात करें तो सबसे पहले यहां पर साइंस आता है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाए। इसमें साइंस में सबसे पहले आपको नेचर ऑफ मैटर दिया हुआ है, फिर यूनिवर्स दिया हुआ है। यूनिवर्स में प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट्स, सन, इलेक्ट्रिकल एंड इट्स अप्लाइंसेस एप्लीकेशंस दी हुई है। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करें तो फोर्स एंड ग्रेविटेशन है, न्यूटन लॉ है, वर्क एनर्जी पावर है। इसके बाद में बात करें तो हीट, टेम्परेचर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन, इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट्स ऑफ साइंस, साउंड, वेव मोशन और एटमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके बाद में साइंस का जो सिलेबस है वो इतना ही है, फिनिश हो जाता है। और ये जो सेक्शन वन आपका होता है, सेक्शन फर्स्ट जो आपका होता है, ये टेंथ बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो, इसके बाद में एल्जेब्रिक आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद में लाइनर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, इसके बाद में सिमुलेटनेस है, इसके बाद इक्वेशंस है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। इसके बाद में यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए सिंपल मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें एवरेज, मीडियन और मोड है। इसके बाद में इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, लॉस परसेंटेज है, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। ये सभी जो टॉपिक्स है ये टेंथ बेस्ट आपके रहने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश की दोस्तों बात करें तो इंग्लिश में देखिए आपका पैसेज इसमें रहेगा, फिर प्रीपोजिशन है, इसके बाद में करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, चेंज टू एक्टिव पैसिव वॉइस है, इसके बाद में चेंज ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है, इसके बाद में बात करें तो वर्ब है, टेंस है और नॉन फ्नाइट्स है और पंक्चुएशन है, इसके बाद में सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब्स है और सिनोनियम्स है, इंटोनियम्स है और मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड भी इसमें रहने वाला है, और इसके बाद में है यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपाउंड, प्रीपोजिशंस है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा इसमें इंग्लिश का, और साथ में इसमें प्रोनाउंस भी दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है इसमें जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सबसे पहले यहां पर आपको ज्योग्राफी दिया गया, जिसमें सोल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड और हार्बर्स दिए गए हैं। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस के अंदर कल्चर है, रिलीजन है, फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट, इसके बाद में हेरिटेज है, आर्ट एंड डांस है, इसके बाद में हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर्स, नेबर्स, अवार्ड्स, ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन है, इसके बाद में करंट अफेयर दिया गया है, इसमें लैंग्वेज, कैपिटल, करेंसीज है, कॉमन नेम्स है, फुल नॉम्स है, इसके बाद में एब्रीविएशंस है, इसके बाद बात करें तो एमिनेंट पर्सनालिटीज है, नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन्स है, इसके बाद में स्पोर्ट्स से रिलेटेड चैंपियनशिप्स है, विनर्स, ट्रम्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स रहने वाला है। तो ये जो सिलेबस है ये आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस का। इसके बाद में इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे, जो कि काफी लिमिटेड पूछे जाएंगे, आई थिंक 5 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे। इसमें स्पेशियल है, न्यूमेरिकल रीजनिंग है, एसोसिएटिव एबिलिटी है, इसके बाद सिक्वेंसेज है, स्पेलिंग और अनक्रम्बलिंग है, इसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग है। बस ये थोड़ा सा आपका सिलेबस दिया गया है रीजनिंग का, यहां से काफी कम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों नीचे आते हैं तो इसमें
ये जो सिलेबस है ना, ये नाविक डीबी का, नाविक जीडी का, यांत्रिक का सेम रहने वाला है सेक्शन वन के लिए, ठीक है। अब नाविक जीडी का जो है वो सेक्शन टू भी रहेगा, फिर यांत्रिक की जो पोस्ट है उसमें सब्जेक्टिव पेपर भी रहता है जो कि सेक्शन टू का रहता है। अगर मैं बात करूं नाविक जीडी की, तो नाविक जीडी में जो आपका सेकंड सेक्शन रहेगा उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए नीचे आते हैं तो यहां पर बताया गया है इसमें सेक्शन टू, यहां देखिए सेक्शन टू बताया गया है। इसमें सेक्शन टू में अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक इसमें आपके दो ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। इसमें देखिए फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट, ठीक है, काइनेमेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, न्यूटन लॉ है, एप्लीकेशन, और फिर मोशन है, मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल्स है। ये सारा सिलेबस जो दिया गया है ये आपका 10+2 बेस्ड है, ठीक है। 10+2 बेस्ड आपका ये सेक्शन सेकंड इसमें रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस आ जाता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो नाविक डीबी का सिलेबस है। नाविक डीबी में मैंने आपको अभी बताया कि सेक्शन वन जो है वो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो नाविक डीबी वालों को ओनली फॉर सेक्शन वन की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर यांत्रिकी का सिलेबस दिया गया है, सेक्शन वन के लिए सेम रहेगा, और सेक्शन टू जो है वो आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। इसमें देखिए सेक्शन टू नहीं बल्कि सेक्शन थ्री है। सेक्शन टू किस में रहेगा? जीडी के अंदर रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, सर्किट लॉ है, मैग्नेटिक सर्किट, फिर एसी फंडामेंटल्स है, मेजरमेंट्स वगैरह, ये सब चीजें इसमें दी गई है। इसी तरह से सेक्शन आपका रहेगा फोर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, और सेक्शन फाइव आपका रहेगा इसमें मैकेनिकल में, ठीक है। तो ये अलग अलग आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर कह सकते हैं जो आपने इंजीनियरिंग की है उसका सब्जेक्टिव सिलेबस है वो रहने वाला है, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि नाविक डीबी को ओनली पेपर वन की तैयारी करनी है, यानी सेक्शन वन की तैयारी करनी है, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो नाविक जीडी है उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 10+2 में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो आसानी से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी आपका कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। साथ ही दोस्तों आपके सामने मॉडल पेपर भी रखूंगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, कहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम देखेंगे, साइंस में कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश में किस तरह के सवाल आते हैं, रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में कमेंट करोगे तो। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और हो सके तो जो भी आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम एजुकेशनल ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।